छतरपुर में आजाद स्कूल शिक्षक संघ के बैनर तले अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। अतिथि शिक्षक संघ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अतिथि शिक्षक संघ सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। इस दौरान अतिथि शिक्षक शालिनी परमार ने कहा कि सरकार के द्वारा हमारे पद को सुरक्षित करने की बात कही गई थी, मगर सरकार हमारे पद को सुरक्षित नहीं कर रही है। अतिथि शिक्षक राजकुमार खुशवाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि हम नीति बना रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई नीति नहीं बन पाई है। हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अपने अधिकार के लिए, जैसा कि अभी 2-3 दिन में ये डिसाइड होने वाला है कि बहुत सारे हमारे जो भाई बहन हैं उनको अलग कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग की जगह पे परमानेंट टीचर आ रहे हैं। हमारे साथ जो ये अन्याय हो रहा है इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए आए हैं कि जो आप ये परमानेंट कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, पर उनकी जगह पे जो आप निकाल रहे हैं हम लोगों को, ये बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भाई साहब घर चल रहा है इस जगह से। मेरा 2.5 साल का बच्चा है, मेरे पति भी नहीं है, कोरोना में ख़त्म हो गए हैं, मेरा जो घर है वो इसी से चल रहा है, हम लोग की सैलरी का कुछ अता पता नहीं है।